वो तो खैर मैं सोच रही थी उसके स्टेम कट करके वो घर के पास उनसे लगा लूं। नहीं रहने दो, हाँ नहीं तोड़ो नहीं तोड़ो, कली आ रहा है वो फिर टूट जाएगा। देखो एक ये कली है, एक ये है ना, बोला भी मेरा बहुत नुकसान होता है। क्या कर साइड से घूम के बनाओ, हटना आने हटना आने। हेलो मरवा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी इतने दिन हो गए हैं व्लॉगिंग मतलब इस तरह नहीं हो पाई है, नॉर्मल जो रूटीन है। भाई की शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी झटपट शादी हुई है ना, मतलब एक महीने के अंदर अंदर रिश्ता मिला और शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी बस अब से जो मेरे ब्लॉग आएंगे वो जो मेरा डेली रूटीन था, मैं इतना मिस कर रही हूँ ना उन सब चीज़ों को। क्योंकि क्या था ना, शादी में जो वीडियोस वगैरह थी वो मैं एज इट इज़ डाल रही थी, कोई मैंने उसमें बहुत ही कम एडिटिंग करी है, वॉइस ओवर नहीं करा, तो इस तरह बात करने में मतलब ज़्यादा मुझे वो रहता है। और हानिया ने रोना शुरू कर दिया है। अब मैं गई हुई थी सहारनपुर तो मेरे कुछ प्लांट्स बिल्कुल जल के मर गए। देखो कुछ आपको इस तरह दिखेंगे, पूरे जल चुके हैं। ये वाले पॉट में भी एक प्लांट था, तो मैंने अभी ये नया प्लांट लगाया है। इसका मुझे काफ़ी टाइम से ये था ना कि मैं ये वाला प्लांट लगाऊं, बहुत अच्छा ये क्रीपर है, तो अभी छोटा इंशाल्लाह इसको लगेंगे शायद एक दो साल बड़े होने में। और बाकी ये धूप में खिलता है ये वाला प्लांट, ये बीच में ऐसे ही पड़ा है, तो इसके ऐसे फ्लावर आते हैं जो ये खिल रहा है। बाकी हमारे प्लांट्स कुछ सही हैं, कुछ ख़राब हो चुके। और जी बस यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर थे तो मैंने ये लगा दिए इसके ऊपर ऐसे ही शो के लिए। एक मैं लेके आई हूँ रोज़, और अभी ये जो है मैंने कटिंग लगाई है तो इसको मैंने बंद कर रखा है, इस तरह ढक रखा है। बारिश हो रही है और ये मैं बड़े पत्ते वाली मनी प्लांट लगाई है नीचे से तोड़ के। अरे देखो बच्चे यहाँ पर कुछ कुछ करते हैं बीच में, थोड़ा अभी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो इस तरह आ जाती है परेशान करने के लिए। और बस अभी पहले मैं नमाज़ पढ़ने चल जाऊँ, थोड़ी लेट हो गई हूँ, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। तो कितने अच्छे लग रहा ना मेरा फूल, मेरा गार्डन, मेरी मिट्टी, जी करता है मैं सारी उम्र यहीं लेटा रहूं, यहीं पड़ा रहूं, यहीं सोता रहूं। हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मेरा फूल, मेरा गार्डन, मेरी मिट्टी, कितना सुकून है यहाँ, जी करता है सारी उम्र यहीं पर लेटा रहूं। और जी बस यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी लंच, सब लोग कर चुके थे और मुझे थोड़ा सा मतलब भूख नहीं लग रही थी, तो उस वजह से मैंने क्या करा ना कि मैं थोड़ा लेट हो गई लंच करने में, कुछ 5 बज रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने अपना लंच जो है वो पराठे बनाए, थोड़ा सा सालन था, और बस मैं ये वाला सीरियल देखती हूँ, हमेशा तो नहीं पर हाँ इसको हो गए होंगे 20-25 बार तो मैंने देख ही लिया होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको सुकून से बैठ के खाना खाना होता है, आप सब काम से निपटे होते हो, तो बस मैं ये वाला सीरियल लगा लेती हूँ। और एक और है अर्ली बर्ड, वो मैं लगा लेती हूँ और उसको देखती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि बोर नहीं होती क्या, या समझ में नहीं आता कितनी बार देखते हो। बस ये दो ही सीरियल ऐसे हैं कि मतलब मैं कभी इनसे बोर नहीं होती। और बाकी बस बर्तन धुल चुके थे, अभी जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो लीव पर हैं 10 डेज़ की, तो इंशाल्लाह अभी वो 2-3 दिन में आ जाएंगी, 10 डेज़ हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जो बर्तन थे वो धो लिए थे और उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था जो स्टोव था। और हम क्या करते हैं ना, जब भी चाय बनाता है तो उससे उबल ही जाती है। और बस यहाँ पर जो स्टोव के नीचे का होता है स्पेस उसको भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी पार्ट है, कई लोग इसको स्किप कर देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे और फिर वो 3-4 दिन से ज़्यादा हो जाता है। बट मेरा क्या होता है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ स्टोव क्लीन करना मस्ट होता है, और स्टोव के नीचे क्लीन करना। और जी बस इसको मैं अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर निशान हो जाते हैं और इसको सर्विस कराए हुए बहुत टाइम हो गया, तो मैं सोच रही हूँ एक बार सर्विस करा लूँ। और मेरे पास ये जो माइक्रोफाइबर वाला टावल है इससे क्लीन कर लेती हूँ, एक और टावल है जो मैं गीला करके क्लीन कर लेती हूँ स्क्रब करने के बाद, और फिर दूसरे वाले टावल से सुखा लेती हूँ, इससे जो है आपका स्टोव एकदम शाइन करने लगेगा। और बस नीचे से भी क्लीन हो गया था, मैं आपको दिखाती हूँ, साइड में जो स्लैब है वो थोड़ा गंदा है और यहाँ का क्लीन है, तो आप देख लीजिए कि एकदम क्लीन हो गया, और उसको मैंने नीचे से सुखा भी दिया है। और बाकी बस यहाँ पर मैंने इसके जो स्टैंड हैं वो लगा दिए हैं, और यहाँ पर कुछ जो मेरे नाइफ्स वगैरह रखे हैं,
थोड़ा सा वहाँ पे डस्ट वगैरह है तो उसको भी क्लीन करना है टाइम निकाल के। ये जो स्विच है ये भी गंदा हो गया है, तो वैसे वहाँ पे बॉक्स रखा हुआ था तो उसके पीछे नज़र नहीं आया मुझे, बट अब मुझे क्लीन करना है। और हमारा जो किचन है वो एकदम क्लीन हो गया जी। यहाँ पर मैं आई हूँ और इस कदर काली घटा है, इस कदर काली घटा है। टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं शायद। टाइम कहाँ से देखो, 5 बज रहे हैं, 5:30, और देखो 5:30। अरे अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बारिश आने वाली है। देखना ऐसा लग रहा है धुआं, जैसे पता नहीं देखो किस तरह जा रहा है। बारिश पड़ गई, स्टार्ट हो गई। हाँ हम बाहर ही रहेंगे। वो बंद कर दो, बारिश हो गई, अंदर चलो। कहाँ बारिश हो रही है, अब हम नहाएंगे बारिश में। ये व्हाट इज दिस, मिल्क बिकेज वर्सेस, ये वर्सेस चलते हुए नहीं दिख रहा, और ऐसे इतनी जोर से आ रहा है। सादिक, सादिक की शक्ल, ये आज की बारिश बहुत धूमधाम घर बना हुआ है। और जी बस यहाँ पर हमने मुझे बना के दी है चाय। मैं तो बाहर थी और उसको बड़ा ही शौक है चाय बनाने का, क्योंकि उसको खुद को भी चाय मिल जाती है ना, तो वो बीच में कहता है चाय बनाओ चाय बनाओ, मैं मना करती हूँ नहीं किसी की चाय नहीं बनेगी, और वो चुपचाप जाके बना ही देता है। और जी बस यहाँ पर मैं दोबारा आ गई थी किचन में, और थोड़ा सा स्लैब दोबारा मतलब गंदा हो गया था। हानिया को मैंने रोटी बना के दी थी, और जो बर्तन है वो मैं हैंड टू हैंड लगा देती हूँ। हैंड टू हैंड नहीं, मतलब जब सूख जाता है पानी पूरा ड्रेन हो जाता है ना इसके अंदर, रैक के अंदर, तो उसके बाद मैं लगा भी देती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि आपका जो किचन है वो ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। ऑल दो मेरा जो किचन है वो अभी मॉड्यूलर नहीं है, इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा, उसका भी काम कराना है, तो फिर भी मतलब मॉड्यूलर नहीं है। उसके बाद भी मैं सारी चीज़ें जैसे स्पून वगैरह हो गए वो एक बास्केट में करके, बड़े स्पून एक बास्केट में करके सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर आपको जानना है कि इस घर की मतलब जो लेडीज़ हैं वो कैसी हैं, आप कहीं जाना मतलब जाओ और जानना चाहो, तो आप उनके किचन में चले जाइए और एक वॉशरूम में चले जाइए। अगर क्लीन है और वेल ऑर्गेनाइज है तो जो वहाँ की उस घर की लेडी होंगी वो भी वेल ऑर्गेनाइज होंगी। तो खैर ये एक भाषण था छोटा सा जो मुझे खुद को लगता है, बट एक ये चीज़ ये फैक्ट है कि आपको मतलब अगर आप ऑर्गेनाइज हो तो इन दो चीज़ों को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि लेडी ऑर्गेनाइज है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो स्लैब है, स्लैब के नीचे का जो एरिया है जहाँ पर ड्रॉर्स या फिर कैबिनेट्स बनेंगे, तो अभी मैंने वहाँ पर ऐसे नॉर्मली जो छोटे स्टूल हो गए हैं या फिर कुछ ऐसे रैक रख के मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, कुछ चीज़ें रख रखी हैं। और बस स्लैब भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, मुझे खाली खाली मतलब जो स्लैब होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे कोई भी चीज़ स्लैब पर रखना पसंद नहीं है, इवन जो ये मेरा माइक्रोवेव है ना ये भी मुझे चुपता है यहाँ पर रखा हुआ। तो वैसे मैंने प्लान तो बहुत कुछ कर रखा है, अभी मुझे 2 साल हो गए इस घर में, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस घर मतलब किचन में क्या खामियां हैं, क्या क्या मुझे कराना है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं कराऊंगी, क्योंकि दिखाऊंगी, अभी बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। और जी बस ये रात का खाना है, और दाल चावल थे और यहाँ पर चिकन फ्राई था, एक्चुअली ये दाल नहीं सांभर था। तो बस यहाँ पर मैंने ये अपने हस्बैंड को सर्व कर दिया, बच्चों को सर्व कर दिया, और उसके बाद जो बचा कुचा काम होता है नाइट में मैं उसको क्लीन करके सो जाती हूँ, काफ़ी हद तक क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ताकि सुबह को बच्चों का लंच वगैरह बनाना पड़ता है, तो मुझे जो किचन है वो क्लीन मिलना चाहिए, और बाकी जो बर्तन है वो एकदम हैंडी रहने चाहिए। ये नहीं कि कुछ सिंक में पड़ा है, कोई चम्मच मिल नहीं रहा है, या मतलब पैन वगैरह होता है ना, तो मैं ज़्यादातर ट्राई ये करती हूँ कि जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं रात में वॉश कर लूँ। तो जी बस यहीं तक का था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा छोटा सा मेरा रूटीन और मैं किस तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने किचन को, और रखना पड़ता है अदरवाइज मुझे कुछ होने लगेगा। तो जी बस इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।